सबसे पहले आज मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्याय की जीत और अन्याय की पराजय सुनिश्चित करी। जी हां, निचली अदालत द्वारा मेरे सरकारी निवास से संबंधित जो फैसला आया था, आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया, उसको दरकिनार करते हुए मेरे पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। साथियों, ये लड़ाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की। और मुझे खुशी है कि आज इस लड़ाई में न्याय की जीत हुई, अन्याय का पक्ष हारा, सत्य जीता असत्य हारा। लेकिन शायद ही भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी पहले देखा गया होगा कि एक छोटी सी पार्टी के एक छोटे से सांसद को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने आज तक 2 बार राज्यसभा में भाषण दिया, स्पीच दी। जब पहली बार मैं बोला राज्यसभा में, अपनी मेडन स्पीच दी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे सरकारी आवास को कैंसिल करने के लिए मुझे चिट्ठी आ गई। जब दूसरी बार मैंने राज्यसभा में भाषण दिया, उसके बाद तो मुझे राज्यसभा से ही निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इस प्रकार का राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदलाखोरी से लिए गए फैसले शायद ही कभी राज्यसभा के इतिहास में कभी देखे गए हों। आए दिन हम देखते हैं कि गैर भाजपा राजनीतिक दल, विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेताओं को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते।